हेलो जी, वेरी स्पेशल गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। मैं हूं आपका अपना दोस्त निशांत। नवरात्रि के पावन पर्व की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज है नवरात्रि का सातवां दिन और जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि इस नवरात्रि हम आपको माँ के अलग अलग स्वरूपों के दर्शन कराएंगे, यानी कि 9 दिन तक हम आपको अलग अलग मंदिरों में ले जाएंगे और माँ के दर्शन करवाएंगे। तो आज अपन आए हैं उदयपुर शहर के कैलाशपुरी में बने हुए मंदिर में, जो कि माता जी का मंदिर है। भैया देखो, ऑनेस्टली बताऊं तो मैं भी यहाँ पे आज फर्स्ट टाइम आया हूँ। यहाँ आसपास से तो मैं कितनी बार जाता हूँ, बट ऊपर आने का कभी मौका नहीं मिला, ना कभी आने का हुआ। और आज फर्स्ट टाइम मैं यहाँ ऊपर आया हूँ दर्शन करने के लिए, बट यहाँ आके मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मन इतना खुश हो गया, इतनी पॉजिटिव सी वाइब आ रही है ना। बाकी चलिए, आपको भी माँ के दर्शन करवाता हूँ, मैं खुद भी करता हूँ। उससे पहले मैं आपको रास्ता बताता हूँ भैया, सारी चीजें यहाँ की बताता हूँ मैं कैसे आया हूँ। भैया एक मंदिर की तलाश में आया हूँ मैं। वैसे ये उदयपुर में ही है, अगर लोकल उदयपुर की हो तो आपको बता देता हूँ कि एकलिंग जी के पास में मंदिर है ये माता जी का। बट भैया हाँ, थोड़ी सी सांस फूल ली, इसको इग्नोर कर लेना। बट ये मंदिर कैसा है, खुला है, बंद है, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। फिर भी चलते हैं एक बार, देखते हैं। अभी नवरात्रि के हिसाब से शायद कोई हो तो हो भी सकता है। अगर कोई सोच रहा है कि इस तरफ से रास्ता, तो भैया बिल्कुल भी नहीं है, ये कोई रास्ता नहीं है, पता नहीं किस चीज के लिए बना रखा है। भैया देखो, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे को यहाँ के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। देखो भैया, यहाँ के बारे में अगर मैं कोई डिटेल गलत बता दूं तो प्लीज उसको इग्नोर करना, क्योंकि यहाँ पे कोई पुजारी जी प्रेजेंट में नहीं है। मैंने उनको कॉल किया है, अभी उनसे मिलूंगा, थोड़ा बहुत जानकारी लूंगा और फिर आपको बताऊंगा। बट अगर कुछ गलत बता दूं तो प्लीज 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 उसको इग्नोर करिएगा। बाकी भैया, अगर आप दिवाली 2023 के बाद आ रहे हो तो इस जगह पर जरूर से आना। उदयपुर का बहुत ही फेमस, उदयपुर के राजा श्री एकलिंगनाथ जी मंदिर के जस्ट पास में ये मंदिर है। ये देखो भैया, एकलिंग जी वाला तालाब कितना सुंदर लगता है यहाँ से व्यू। ये तो आपने शायद देखा होगा मेरी पहले भी किसी न किसी वीडियोज़ में। बट यहाँ के आने के लिए जो रास्ता है भैया, ये वाला रास्ता ऐसे ऐसे होते हुए यहाँ से टर्न होके आ रहा है। ये पहले नहीं था शायद, से अभी बना है। और यहाँ अपनी बाइक पड़ी है भैया, क्योंकि उससे ऊपर चढ़ने जैसा था नहीं, क्योंकि वहाँ से फिर रास्ता ओवर ऊपर था। बाकी चलिए अंदर माँ के दर्शन करते और आपको भी करवाते हैं। जब मेवाड़ की राजधानी नागदा को बनाया गया था, कहा जाता है कि उस समय नगर की रक्षा के लिए बहुत से स्थानों पर देवी देवताओं की स्थापना की गई थी। उन्हीं में से एक मंदिर यह भी है। यह मंदिर नागदा स्थान के बिल्कुल पास में है। आसपास की सबसे ऊंची पहाड़ी की चोटी पर मां की स्थापना की गई। यहां पर 2 मंदिर बनाए गए, पहला नीमच माता, दूसरा खीमच माता का। दोनों ही देवियों की यहां पे बड़ी ही अद्भुत छवि है, जिनके दर्शन करके आपको बड़ा ही अच्छा अनुभव होगा। कहा जाता है कि आज से कुछ समय पहले यहां की मूर्ति को चोर चोरी करके ले गए थे, परंतु यहां से लेकर नहीं जा सके, यहीं पे उनको छोड़ के जाना पड़ा। तब ये मूर्ति पुलिस के पास चली गई। जब मूर्ति के बारे में कोर्ट में सुनवाई हुई और जब मूर्ति को कोर्ट में ले जाया गया तो कोर्ट में ऐसी अबनॉर्मल एक्टिविटीज हुई। उसके बाद मूर्ति को सिटी पैलेस भेज दिया गया और कुछ समय बाद भक्तों के प्रयास से मूर्ति को यहाँ पे विधिवत पुनः स्थापित किया गया। यह मंदिर के शिखर के ऊपर जो तोता बैठा है, कितना सुंदर लग रहा है। अगर आपको थोड़ी सी क्लियर वीडियो आ रही हो तो इस तरफ जो है देखो, चंद्रमा दिख रहे होंगे आपको। अरे प्यारों के चंद्रमा दिख रहे, कितना प्यारा व्यू मिल रहा है ना यहाँ से यार, मस्त फ्रेम है ये तो यार, मजा आ गया। यहाँ पे माँ के 2 मंदिर बने हुए हैं, एक तो ये रहा और दूसरा इस तरफ। पहले चलते हैं इस मंदिर में, आपको दर्शन करवाते हैं। जय हो जगदम्बे। और भैया यहाँ पे जो है, यहाँ के बारे में डिटेल थोड़ी बहुत लिखी हुई है, बट एक्चुअल में ना मेरे को ऐसा पढ़ी नहीं जा रही इतना इजीली अच्छे से। तो फिर मैंने पुजारी जी को कॉल कर लिया, वो बताएंगे डिटेल, तो आपको भी हम बता देंगे। यहाँ पे जो बड़ा वाला मंदिर है, ये खीमच माता का है। वैसे तो इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना होगा। मेवाड़ के महाराणा श्री अरविंद सिंह जी हुकुम ने इस मंदिर का जीर्णोद्वार कराया। इसमें मार्बल का है, जो भी काम है ये बाद में हो रखा है। बाकी ये जो मंदिर है वो बहुत पुराना है। इस तरीके से पत्थर के ऊपर सभी जगहों पर यहाँ के बारे में जानकारी लिखी हुई है कि कब कब इस मंदिर में क्या क्या हुआ। बाकी ऊपर देखो यार, बड़ा ही सुंदर मंदिर है। जय हो जगदम्बे। और
यहीं पे जो दूसरा वाला मंदिर है, ये है नीमच माता का मंदिर, जिनमें भी दर्शन बड़े अच्छा, और मूर्ति भैया यहाँ पे बहुत पुरानी है, दर्शन करने से पता चलता है। और यहाँ आने के बाद ऐसी पॉजिटिव सी वाइब आ रही है ना, मतलब शायद आप मेरे हर वीडियो में सुनते होंगे जहाँ पे मैं मंदिर में गया हूँ, बट अगर आप एक्चुअल में यहाँ 5 मिनट 10 मिनट बैठ के अगर भगवान का नाम लोगे और फील करोगे ना, शायद आप ये बात खुद बोलोगे कि भैया अलग ही फील तो होता है मंदिर में आने के बाद। कसम से ना, उदयपुर में हर एक मंदिर का इतना प्यारा व्यू और वहाँ पे जाके आपको अच्छा फील होगा, ये तो मेरी गारंटी है। उदयपुर के रहते हुए मुझे पता है ना, जहाँ तक यहाँ पे उदयपुर की ऑलमोस्ट यूँ समझ लो भैया 95% पॉपुलेशन यहाँ पे नहीं आई होगी, मतलब बहुत रेयरली लोग यहाँ पे आए होंगे। बट एक्चुअल मैं बोल रहा हूँ, अगर उदयपुर से कोई ये वीडियो देख रहा है ना, तो भैया इस जगह पे जरूर से आना, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। अभी जो है रास्ते का काम चल रहा है, ये बन जाएगा दिवाली तक, बट अगर आप अभी भी आना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, आप वहाँ तक आराम से बाइक लेके आ सकते हो, कार लेके आ सकते हो, वहाँ पे रख दो, फिर आपको मुश्किल से 150-200 मीटर चलना पड़ेगा। बाकी वैसे भाई एक्चुअल में रियलिटी बताऊँ ना, मैं जब यहाँ ऊपर आ रहा था ना, बड़ा टेंशन में आ रहा था मैं, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि ऊपर मंदिर है, माता जी का मंदिर है, कैसे क्या, कसम से मेरे को जीरो आइडिया था यहाँ का। बस मैं इस मंदिर को हमेशा से देखता आया हूँ, मतलब आज से नहीं 8-10 सालों से देखता आया, बट कभी ऊपर आने का ऐसा हुआ नहीं कि हाँ चलो ऊपर जाए या माता जी के या मंदिर में दर्शन करके आए, और आज आ गया तो अब जाके मुझे अच्छा लग रहा है। यार सीरियसली बोलूँ ना आपको, ये पूरी वीडियो सीरीज या ये 9 दिन नवरात्रि वाली वीडियो कैसी लगी मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया है, बट मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है मंदिरों में आके या इस तरीके से 9 दिन तक वीडियो बना के, मतलब पहली बार ना मुझे मज़ा आ रहा है ऐसी वीडियोस बनाने में। सीरियसली मैं 9 दिन से बिल्कुल सोने का हो ही नहीं रहा भैया, रात दिन में जगा हुआ हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत अदर काम भी चल रहे हैं, तो सोने का मौका बिल्कुल नहीं मिल रहा। और अगर एक रिकमेंडेशन है मेरी भैया, या तो बिल्कुल सनराइज़ के टाइम पे आना, क्योंकि सिर्फ सनराइज़ का व्यू बड़ा आपको अच्छा मिलेगा, बट हाँ अगर सनसेट के टाइम पे आते हो ना भैया, तो आपको क्लियरली जन्नत मिलेगी यहाँ पे, जन्नत, मस्त जगह है यार। चलिए भैया यहाँ पे दर्शन तो कर लिए माता जी के, बड़ी छोटी सी वीडियो होगी, अगर मेरे को हिस्ट्री मिल गई यहाँ की थोड़ी बहुत अच्छी तो मैं आपको सुना दूंगा, नहीं तो चलिए निकलते हैं यहाँ से। जाते जाते एक चीज बता दूं कि ये जो रास्ता है इसको धक्का मत देना, क्योंकि मैं खुद 2 मिनट तक धक्का देता था, ये स्लाइडिंग वाला डोर है, ठीक है। ऐसा मुझे लगा नहीं था कि ये मंदिर इतना खूबसूरत होगा यार, मैं शायद से यहाँ आने के बाद मंदिर की तारीफ ही कर रहा हूँ, बट एक्चुअल में ये मंदिर जो है वो तारीफ करने लायक है। आसपास के एरिया में इतना सुंदर मंदिर और कोई नहीं है, मतलब सुंदर मंदिर तो बहुत सारे मंदिर तो अच्छे होते हैं, भगवान के मंदिर है, बट जहाँ से इतना सुंदर और खूबसूरत सा नज़ारा मिलता हो ना, ऐसा मंदिर शायद आपको कहीं नहीं दिखेगा आसपास, मस्त मंदिर है यार। और वह बस अपने जीवन में ना एक दुख अभी भी चल रहा है कि अपने पास ड्रोन नहीं है, बट अगर ड्रोन होता ना, सीरियसली बोल रहा हूँ भैया, क्या व्यू मिलता ना यहाँ पे यार, मज़ा आ जाता आपको। कि भैया अपनी बाइक जो है वहाँ लगा रखी है, ये जो आपको दिख रहा है ना चढ़ाई, एक्चुअल में शायद आपको इतनी फील नहीं हो रही होगी, या पता नहीं कैसे दिख रही है आपको, भाई साहब गजब की चढ़ाई है यहाँ पे, और इस तरफ से ओके ये रास्ता जा रहा है उस मंदिर के लिए। अभी चलते हैं यहाँ से नीचे की तरफ। अच्छा एक तो मैं मोचड़ियाँ पहन के आया हूँ, पाँव जो है यहाँ पे स्लिप हो रहे मेरे हल्के हल्के। अरे यहाँ से सनसेट देखो यार, कितना मस्त लग रहा है ना, बाकी चलिए भैया पुजारी जी से थोड़ा बहुत यहाँ की जानकारी लेते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से सीधा अपने घर की तरफ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके देना, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और हाँ प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में एक बार जय माता दी जरूर से लिख देना, और बेल आइकन को ऑन कर लेना।